I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. माँ आज तेरी बहुत याद आ रही है। पता है आज मैं और शिव लड़ बैठे। शिव मारने आया था मुझे, और मुझे तो बुरा लगा, लेकिन मैंने आज रवि को अनाथ कह दिया। माँ रवि भाई बात सुन ले यार, एक बार बात तो सुन ले भाई यार, सुन। या तू जाट को माफ कर दे या धकेल के मार दे। साले तेरी हर बात सुनी मैंने आज तक। घर जाने को कहा, घर गया, पापू से फोन पे बात करने की बात की ना यार, कल लगा दो वापस जाके यार। सुन बताए, सालों से गलती हो गई यार, भाई माफ कर दिया। साले अब रुला मत देना, गलती होगी भाई माफ करते। क्या ऐसे नहीं भाई, ऐसे माफ नहीं करते। तो फिर कैसे करते? खड़े ला के माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई, माफ कर दे भाई। साले तुम दोनों दोस्ताना दोस्ताना खेलोगे और मैं दीवार। अरे दीवार के त्रिशूल आ जा, माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई, सॉरी यार। रवि वो लड़की शिवचंद, अरे भाई रोक रोक साले, पकड़ पकड़ उसे। कैसे हो रवि? शिवरसानी वो कहाँ है कुछ पता नहीं। पुजारी जी ने हमें बताया कि तुम मंदिर के पास अकेले ही मिले थे। कैसे हो सकता है, मैं गिरा था और शिवरसानी तुम मुझे यहाँ लेके आए। नहीं रवि, तुम वहां अकेले ही थे और पुजारी जी ने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा। इम्पॉसिबल। भाई सुन ले सुन ले, तुझे कुछ नहीं होने वाला, बचा लेंगे हम तुझे, हॉलीवुड ले जाएंगे तुझे। भाई यार भाई दिमाग भारी है इसका, तेज का हल्का नहीं है, उठा चले।
देखो रश्मि, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस फुटेज को बार बार देखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, चाहे वो शिव हो, चाहे वो सनी हो, चाहे वो जंगल हो, कुछ भी हो। पुजारी जी, रवि जो कह रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। ये केवल उनके दिमाग का वहम है। मेरा वहम है? अगर मैं आपको साबित कर दूं तो? चलिए। ये वो जगह थी जहां पर हमने कैंप फायर किया था, यहां पे, दिस इज द प्लेस। और हम सुबह उठे तो यहां इमेजेस थी, और ये सब मार्क्स लगे हुए थे। यहां भी इमेजेस थी, 6 इमेजेस थी सारी। और ये जगह है जहां से हम उस तरफ को भागे थे, इस तरफ को। आई कांट बिलीव दिस पुजारी जी। मैं रश्मि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जगह देखने की जरूरत। ये सामान हमारा ही है ना? यही वो जगह है जहां पर हमने आग जलाई थी। शिव और सनी वहां बैठ के अपने कन्फेशंस रिकॉर्ड कर रहे थे, और उसके बाद हमने इस जगह पे हग किया, और सडनली एक आवाज सुनाई दी उस तरफ से। उस तरफ से एक आवाज आई, सनी जोश में आके इस तरफ को भागा, शिव उसके पीछे भागा, और मैंने यहां से टॉर्च उठाई, कैमरा उठाया और इस तरफ को भागना शुरू किया, सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए। टॉर्च मेरे हाथ में थी और मैं भागे जा रहा था उनके पीछे, एंड सडनली याद आ रही। पता है मैं और शिव, लड़ बैठे मां, और रवि को मैंने अनाथ कह दिया मां, अनाथ। हमारे होते हुए क्या रवि अनाथ हो सकता है मां? नहीं ना मां। निकी सॉरी यार, मैं तेरी बात मां से नहीं कर पाया। मां, अमित बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत चाहता है उसे, खुश रखेगा उसे। आप एक बार अमित
अमित से मिल तो लो। माँ माँ मुझे माफ कर दो, जाते वक्त आपसे ठीक से मिलकर भी तो नहीं गया, मुझे माफ कर दोगी ना माँ? भाई अगर एक चीज तू दे दे आज तो मैं कहूंगा बापू से मिलवाते, गले लगना चाहता हूं, रोना चाहता हूं मैं। बापू जाट रो सकते हैं, बापू तूने सब कुछ दिया, प्यार दिया, लेकिन साला खूट समझ ना पाया। बापू इस बार बहुत दूर दौड़ गया मैं, जे माले पर हां ना लगाई, यूं समझ लेना कि जाट जो है नौटंकी करने निकल गया, जे लौट कर आ जाएगा। चौधरी साहब पेट आपका नालायक निकला, मगर आपसे प्यार बहुत करता है। मेरी फिल्म तो बनी मगर किस कीमत पर? जिंदगी तो यूं भी चलती रहेगी लेकिन एक कमी हमेशा रहेगी। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।